सब परमात्मा भी मैं हूं, मतलब सब कुछ परमात्मा है, प्रकृति भी परमात्मा है, हम भी परमात्मा है, तुम भी परमात्मा हो, जगत भी परमात्मा है, सब भगवान मैं है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने चौपाई से वंदना की, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, श्रीमद् भगवत गीता की यह 5 शिक्षाएं हमें याद रखना, भीड़ का साथ नहीं भगवान के साथ खड़े होना। दूसरी शिक्षा, मौत से नहीं मौत के डर से डरना है। तीसरी शिक्षा, कर्म को विचारवी शिक्षा, जो कुछ भी है उसे भगवान मानना है, सब भगवान का है, भगवान हमारे हैं। एक बात और देखो, गीता जी बड़ी अद्भुत ग्रंथ है, इसे पढ़ने के हिसाब से पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, गीता जी को कंठस्थ करने के हिसाब से पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, गीता जी को तो, क्योंकि संकेत में पूरा सार है। जैसे निशान लगी रहती ना रोड के किनारे, ऐसे तीर बना रहता, लंबा तीर बना रहता, चौकोर तीर बना रहता, वो निशान बताते हैं कि आगे चौराहा है, आगे मोड़ है। वैसे ही गीता जी हैं, गीता जी में निशान लगे हुए हैं, संकेत लगे हुए हैं, जो उन संकेतों को पकड़ लेता है वही भगवान की वाणी को समझ जाता है। लेकिन अब आजकल के लोग, प्रभु जी कुरुक्षेत्र से है, हमका गीता जी सुनते हो, गीता जी हैं, हाँ हाँ गुरु जी, हम तो गीता का उपदेश 35 साल से सुन रहे, 35 साल हमका बहुत अच्छा। पर हमने कहा एक बात बताओ, तुम गीता जी का उपदेश 35 साल से सुन रहे, सुधरे नहीं हो? बोले गुरु जी आप कहीं भगवत गीता तो नहीं समझ रहे? हमने कहा हाँ। अरे बोले गुरु जी हम गीता जी वो भगवत गीता नहीं कह रहे, हमारी लोगाई का नाम घी है। फिर सुधरना में पक्का नहीं है, फिर तो ठीक है बजरंग बली ही बचाएं। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए भैया श्रीमद् भगवत गीता हमारे राष्ट्र की धरोहर है, गीता सुगीता कर्तव्य जमिनी शास्त्र विस्तरी या स्वयं पद्मनावश्य, यह ठाकुर जी के मुखारविंद से कही हुई वाणी है। हम लोगों को प्रतिदिन भगवत गीता का एक श्लोक, एक उसके जीवन में तत्व बोध की प्राप्ति होती, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती और आत्म ज्ञान से वह परमात्मा के ज्ञान को पा जाता है।